हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक नंबर लिख लिया है कि नंबर हमारा है 172,404। दोस्तों, ये नंबर मैंने रीड करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जो प्लेस वैल्यू है हर एक नंबर की, वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 वहाँ पर है, तो उस 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये 4 है वे कौन से प्लेस पे है। तो जो ये 4 है ये वंस प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है? तो इसे हम वंस प्लेस पे है, ठीक है। उसके बाद जो 0 है वे कौन से प्लेस पे है? तो ये 0 जो है ये टेंस प्लेस पे है, ठीक है, टेंस प्लेस पे। उसके बाद जो ये 4 है, ये 4 कौन से प्लेस पे हैं? तो ये हंड्रेड्स प्लेस पे हैं, हंड्रेड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2, ये 2 है हंड्रेड के बाद थाउजेंड्स प्लेस पे, ठीक है, थाउजेंड्स ऐसे लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद 7, 7000 के बाद ये 7 हो जाएगा हमारा 10,000 के प्लेस पे। उसके बाद 1, ये 1 हो जाएगा लाख, ठीक है, कौन से प्लेस पे? तो लाख प्लेस पे, जिस तरह से हम 1 लाख 2 लाख बोलते हैं, इस तरह से ये हो जाएगा हमारे लाख प्लेस पे। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे प्लेसेस, हमें पता चल गए। तो दोस्तों देखिए, अगर हमें किसी भी नंबर की अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? तो देखो, यहाँ पर वंस प्लेस पे है, इसका मतलब इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 है तो इस 0 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 4 है, इस 4 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो इस 4 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इस 2 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 को हमें क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 को उसी तरह से, यानी 7 × 10,000 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और उसके बाद 1 लाख, यानी इस 1 को हमें 1 लाख से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो दोस्तों, अगर हमें 1 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आ जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 है, कौन से प्लेस पे है? 10,000 प्लेस पे है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 70,000। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर 2 है, 2 से हमने अगर 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2000 आ जाएगा। तो इस 2 की वैल्यू, प्लेस वैल्यू हो गई 2000। तो यहाँ पर 4 को अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा 400। तो इसकी प्लेस वैल्यू 400 हो गई। 0, अगर 0 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 ही आएगा, यानी उसकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वे 0 कहाँ पर है? 0 की प्लेस वैल्यू, अगर 0 की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इसलिए किसी भी चीज़ से अगर उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर 4 है, 4 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, सब की प्लेस वैल्यू निकाल दी, और सबकी अगर हमने एडिशन कर दी, तो हमारा टोटल जो आएगा वो यही आएगा कि 172,404। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, और उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि उसकी प्लेसेस वैल्यू क्या होंगी। तो देखिए दोस्तों, इधर दोस्तों देखिए, इस तरह से मैंने एक नंबर लिख लिया 2 लाख
45,992। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे है ये फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले 2 कौन से प्लेस पे है, तो 1 प्लेस पे है, यानी इस 2 को क्या करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 कौन से प्लेस पे है, तो 10 प्लेस पे है, इसका मतलब इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 9 है, 9 कौन से प्लेस पे है, तो 9 हमने पहले ही बताया था 9 कौन से प्लेस पे है, 9 है 100 प्लेस पे, तो इस 9 को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 5 है, तो 5 कौन से प्लेस पे है, तो 1000 प्लेस पे है, तो इस 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से 4 कौन से प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इस 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। उसके बाद 2 है, 2 कौन से प्लेस पे है, तो लाख के प्लेस में है, तो इसे हम क्या करेंगे 100,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों आप इसका प्रोडक्ट हमें बताइएगा और इसे इसके नीचे अब लिखिएगा, ठीक है। चलो लिखते हैं, उसके बाद हमें इसकी प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। 2 × 1 2 हो जाएगा, 9 × 10 90 हो जाएगा, 9 × 100 900 हो जाएगा, 5 × 1000 5000 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 10,000 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 40,000 हो जाएगा, ठीक है, 40,000 हो जाएगा। और 2 × 1 लाख मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आ जाएगा हमारा 2 लाख, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्लेस वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का जो हमारा प्रोडक्ट आया इसका अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी, यही नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर मिलता है क्या, तो चलिए इसको हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले 2 लाख है तो लिख लो, तो हमने क्या कर लिया 2 लाख लिख लिया। उसके बाद 40,000 यहाँ पर लिख लो, 40,000 लिख लिया। उसके बाद 500 लिख लो, लिख लिया। उसके बाद 5000, उसके बाद 900 लिख लो, उसके बाद 90 लिख लो, उसके बाद 2 लिख लो और सबके एडिशन कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो देखो वही वैल्यू आ गई हमारी 2,45,992। अगर कौन से भी नंबर की अगर प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है तो सबसे पहले वो कौन से प्लेस पे है ये हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद उसके हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि फेस वैल्यू के बारे में, कि फेस वैल्यू होती क्या है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फेस वैल्यू के बारे में, ये फेस वैल्यू होती क्या है। तो दोस्तों फेस वैल्यू, दोस्तों फेस वैल्यू क्या होती है, अगर मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख लिया, ठीक है, ये नंबर लिख लिया, अगर मैंने पूछा इस 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो मैं बताऊंगा कि इसकी फेस वैल्यू 2 है। तो इस 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो इस 3 की भी फेस वैल्यू 3 ही है। 4 की क्या है, तो 4 की फेस वैल्यू 4 है, 2 की 2 है। तो इस तरह से फेस वैल्यू हर चीज की, हर नंबर की वही रहती है कि जो नंबर है, लेकिन प्लेस वैल्यू में वो अलग रहती है, ठीक है। तो फेस वैल्यू में क्या है, अगर कौन सा भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अगर आपको इस 9 की फेस वैल्यू पूछ ली, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, ठीक है, समझ लीजिएगा क्या आएगी 9। इस 8 की मैंने पूछ ली फेस वैल्यू, तो 8 आ जाएगी। इस 4 की पूछ ली, तो ये 4 आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये दोनों ही चीज़ें समझ ली। और आपको हमारे वीडियो लगातार मिलने के लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही आपको ये वीडियो ढेर सारे बच्चों तक पहुंचाना होगा। हमारा इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।